और जब से मैंने ये लगाया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मेरे पिछले बिजनेस भूल गए हैं। मेरा ये चौथा माशाल्लाह बिजनेस है, मैं पिछले बिजनेस भूल गया हूँ। कंपनी ने हमें रजिस्टर भी करवा के दिया है, कंपनी ने हमें सपोर्ट भी किया है, हमें रास्ते बताए हैं और इसको रन करने के रास्ते बताए हैं, क्योंकि पंपलेट आप बन ऑन करके तो ये ऑटोमेटिक है, ये अपना काम करता रहेगा, आपको प्रोडक्ट बना के देता रहेगा, आप अपनी सप्लाई जारी रखें। ये हर शहर में चल सकता है, हम पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, हमने देहातों में लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा कमा रहे हैं, 3-4 लाख रुपए महीना आएगा, मामूली बात है। देखें पहले लोग नल का पानी पीते थे, टैप का पीते थे, सरकारी पी लेते थे, लेकिन उस टाइम क्या था, एनवायरनमेंट इतना डिस्ट्रॉयड नहीं था, इतनी फैक्ट्रीज नहीं लगी हुई थी अपना रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टू जी बिज़नेस और मैं हूं अज़र महमूद, आज की एक नई वीडियो के साथ, नए बिज़नेस आइडिया के साथ। नाजरीन, हमारे प्यारे दोस्तों, जब भी हम अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो जब हमारे सामने पानी की बोतल आती है तो हम सोचते हैं और कहते हैं एक दूसरे को कि ये पानी जो है हमें 100 रुपये का या 120 रुपये का मिल रहा है, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये कारोबार हम खुद कर लें। तो ऐसे ही बिज़नेस आइडिया के साथ हम हाज़िर हुए हैं। आपको वाटर प्लांट, पानी जहाँ से भी लें खरीद कर पीना पड़ता है, चाहे उसे ज़मीन से निकालें, जब आपको अच्छा पानी पीना है तो उसके लिए आपको कीमत भी बढ़नी पड़ेगी। आज हम वाटर प्लांट का विज़िट करने आए हैं, आपको बताएंगे कि ये वाटर प्लांट का बिज़नेस हम किस तरह से शुरू कर सकते हैं, अगर ये प्लांट हम लगाना चाहें तो हमें कितनी जगह चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी, और कौन से जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो हमें फ़ाइल करने पड़ेंगे ये कारोबार शुरू करने से पहले। तो आज इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले उनसे इंट्रोडक्शन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे नाज़रीन को, अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम हमज़ा है और मैको इंटरप्राइजेज मेरी कंपनी है जो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही है, और अभी तक पाकिस्तान में हम 200 से ज़्यादा प्लांट लगा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर इज सेटिस्फाइड एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। माशाल्लाह। सर आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि ये प्लांट जो है बेसिकली इसका नाम क्या है और इसके ऊपर वाटर तैयार होके जो आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? देखिए जी, ये प्लांट इसको आरओ प्लांट कहते हैं और रिवर्स ओस्मोसिस प्लांट है ये, और इसको लगाया जाता है पानी को प्योरीफाई करने के लिए। आजकल जो पानी क्वालिटी है, बीमारियां बढ़ रही हैं, बैक्टीरिया है, इस प्लांट की खासियत ये है कि ये पानी लेके उसको बिल्कुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और अपना उसको बिल्कुल प्योरीफाई करता है, और इसको एक ट्रू मीनिंग्स के अंदर आप कह लें कि ये मिनरल वाटर है, पीने के लिए मिनरल वाटर है। इसके अंदर मिनरल्स ऐड हैं, इसके अंदर हर चीज़ ऐड है, ये प्योरली प्योरली आपके जो अपना हेल्थ है उसको सूट करता है, और इसके ऊपर जो प्लांट काम कर रहा है वो इसको उस हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है पानी को कि ये एक ह्यूमन बॉडी के लिए करामद हो। देखें सर, बिज़नेस के अकॉर्डिंग बात करनी है हमने, तो देखें सरकारी पानी भी हमारे घरों में आता है, हमारे घरों में पंप्स भी लगे हुए हैं जिससे हम पानी निकल, और पहले हम आज से 15-20 साल पहले वही पानी यूज़ करते थे। क्या वजह बनी कि हमें जो है इतनी डिमांड बढ़ गई, हमें मार्केट में भी देखा कि किस तरह से जो है मिनरल वाटर्स की भरमार हुई और इस चीज़ की ज़रूरत बढ़ी, तो क्या वजह बनी कि ये हमारा पानी जो है वो इस डिगर पे चला गया? देखें पहले लोग नल का पानी पीते थे, टैप का पीते थे, सरकारी पी लेते थे, लेकिन उस टाइम क्या था, एनवायरनमेंट इतना डिस्ट्रॉयड नहीं था, इतनी फैक्ट्रीज नहीं लगी हुई थी अपना रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। अब चूँकि उस हिसाब से एक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, पानी गंदा होता जा रहा है, उसके हिसाब से पानी को साफ पीने वाला पानी जो है ना वो अब इतना मैसर नहीं है। तो ये प्लांट्स का पानी है कि हम जो प्लांट लगाते हैं वो पानी को इस हिसाब से प्योरीफाई करता है कि वो ह्यूमन बॉडी को सूट करता है और मिनरल्स पूरे करता है। आपके ख्याल से कि पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर है जहाँ पर ये कारोबार नहीं चल सकता? ये हर शहर में चल सकता है, हम पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, हमने देहातों में लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा कमा रहे हैं, 3-4 लाख रुपये महीना आएगा, मामूली बात है। और दूसरा ये है कि हम जो क्लाइंट को प्लांट लगा के देते हैं, प्लांट नहीं लगा के देते हैं, हम पूरा बिज़नेस मॉडिफाई करके देते हैं कि आपने कमाना कैसे है, आपका कमाई का ज़रिया क्या बनेगा, आप इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, आपने इस प्लांट को लगाने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन करनी है, अपना लाइसेंस बनवाना है पानी बेचने के लिए फूड अथॉरिटी का, वो भी डॉक्यूमेंटेशन करके देता है, पूरा गाइड करते हैं, एक बिज़नेस प्लान बना के उसको पूरा गाइड करके उसके अंदर कमाई का ज़रिया बताते हैं कि आपने कमाना कैसे है।
ठीक है, मतलब फुल बैकअप सपोर्ट जो है वो आप फराहम करते हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि अगर इस प्लांट को हमने लगाना है, हमारी आंखों के सामने ये वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, पानी भरा जा रहा है भर भर के, हम आप नाजरीन भी देख रहे हैं, तो कितनी जगह हमें दरकार होगी जिसमें ये प्लांट लग जाएगा? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि आपके पास जगह कितनी है। बेशक पूरा हॉल हो, प्लांट की तो एक अपनी कैपेसिटी है, अपनी स्पेस है। आप छोटा सा कमरा बोलेंगे उसके अंदर भी ये ऑपरेट कर जाएगा। ठीक है, द सिंपल चीज़ आपने जो पूरी करनी होती है क्लाइंट ने या कस्टमर ने, उन्होंने बोर करवाना होता है, बोर की जिम्मेदारी ट्रूली जो है वो कस्टमर की है। उसने घर के बाहर करवाना है, कमरे के अंदर करवाना है, दुकान के अंदर करवाना है, प्लाजे के अंदर करवाना है, हॉल के अंदर करवाना है, सड़क पे करवाना है। वहाँ बोर से पानी आएगा, इसको चला जाएगा, ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। प्लग एंड प्ले है, प्लग एंड प्ले है, आपने स्विच ऑन करना, ये अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है, आपने इसके ऊपर बैठना है, नहीं बैठना, आपने पानी की सप्लाई देने जाना है, क्योंकि आप तो ऑन करके तो ये ऑटोमेटिक है, ये अपना काम करता रहेगा, आपको प्रोडक्ट बना के देता रहेगा, आप अपनी सप्लाई जारी रखें। अब सारी बातें हमने कर ली हैं, तो सबसे अहम बात आती है इसको ऑपरेट करना, मतलब इसका मतलब किसी को चलाना। किसी भी मशीन में या किसी भी कारोबार में ये बड़ा मुश्किल मरला होता है कि उसको ऑपरेट करना किस तरह से है। हमारे आँखें सामने चल रहा है, क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर उस किसी के बंदे के पास एवरेज नॉलेज है, एवरेज एजुकेशन है उसकी, ठीक है, तो वो इसको ऑपरेट कर सकता है, या चलाने का तरीका क्या होता है? देखें, जब प्लांट किसी को हम लगा कर देते हैं तो उसको हम ट्रेनिंग भी साथ देते हैं। ट्रेनिंग देते हैं जब वो खुद सेटिस्फाई हो जाता है कि जी मुझे ऑपरेट करना आ गया। इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग हम दे देंगे, वो उसकी हम फीस कोई चार्ज नहीं करते, हम ट्रेनिंग अपना इंस्टॉल करके देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। जब कस्टमर बोलता है जी अब मुझे ऑपरेट करना आ गया, मुझे अपना पता चल गया, मैंने बिजनेस कैसे रन करना, हम उसको फिर छोड़ देते हैं। और उसके बाद भी इस तरह नहीं छोड़ते, मतलब एक साल की हमारी मेंटेनेंस सर्विस फ्री है। ठीक है, मतलब हम क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ इन टच रहते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट है, हम लोग की उसकी जिम्मेदारी है, हमने उसको पूरा करना है। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको पता है प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी पे रखते हैं। हम पंजाब में लाहौर में बात कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से कोई बंदा रब्ता करता है तो वहाँ पर भी सहूलत मशीन मुयसर है कि आप उनको लगा? मोस्ट वेलकम। मैं कहता हूँ कि अपना केपीके से लेके सिंध तक, पंजाब, बलोचिस्तान, कहीं से भी कोई रबता करता है, गिलगित बल्तिस्तान से भी, तो कोई इशू नहीं है। वी आर अवेलेबल, और आपको जहाँ पे जितने प्लांट लगाना है, किस कैपेसिटी का लगाना है, हम पहले विज़िट करते हैं, उनका मैप बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं कि इस पानी के हिसाब से, क्योंकि पानी की भी टेस्टिंग होती है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा है, कोई काम है, हम उस हिसाब से प्लान डिज़ाइन करते हैं। ऐसे नहीं है कि आप कस्टमर एड्रेस भेजता, हम यहाँ से शिपमेंट भेज देते हैं, नहीं। पहले विजिट होता है, हमारे टेक्नीशियन जाते हैं वहाँ पे, पानी का सैंपलिंग होती है कस्टमर के साथ, उसकी रिपोर्ट शेयर की जाती है, उसके बाद फिर वहाँ पर प्लांट इंस्टॉल करके आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट का प्लान देते हैं। उसके बाद फिर क्लाइंट जब कहता है कि मैं आप काबिल हो गए रन करने के लिए, फिर उसको छोड़ते हैं जी। तो एक क्लाइंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जब हम वीडियो बना रहे थे तो मैं उनको वेलकम करता हूं जी, आ जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह का जी। सर क्या नाम है आपका? अमार। अमार भाई, हमें बताएं कि आपने प्लांट लगाया है, ठीक है, सेटिस्फाई है जी? बिल्कुल, माशाल्लाह, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप सेटिस्फाई हैं। कोई मुश्किल परेशानी पेश आई है इस काम को स्टार्ट करने में? नहीं जी, बिल्कुल परेशानी नहीं आई। चलाने में कोई मसला आया, मार्केटिंग में कोई मसला आया, खुल के बता दें। बेसिकली ये बात है ऐसे कि हमारे साथ ना कंपनी बहुत अच्छा तावन कर रही है, ठीक है, जब से प्लान लगाया है कंपनी ने हमें रजिस्टर भी करवा के दिया है, कंपनी ने हमें सपोर्ट भी किया है, हमें रास्ते बताए हैं और इसको रन करने के रास्ते बताए हैं। पंपलेट बनवाने का हमें बताया है कि पंपलेट बनवाएं, ऐसे डोर टू डोर पंपलेट फेंकें, दें डोर टू डोर, क्लाइंट से मिलें, हर तरह की पब्लिक डीलिंग का इन्होंने हमारे कारोबार को रन करने का हमें गाइड किया है। जो नाजरीन हमारे देख रहे हैं उनको आप ये मशवरा देंगे कि इस कंपनी से, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, जिनका हमने मैनेजिंग डायरेक्टर का पहले इंटरव्यू भी किया है, इनके साथ रابطہ करने में कोई मुश्किल या परेशानी तो वाली बात तो नहीं है? मैंने ये बिजनेस इनसे करवाया, इन्होंने मुझे पूरा प्रॉपर, और सबसे बड़ी बात है सिर्फ इन्होंने मुझे एक पैकेज बताया था कि इतने पैकेज में हमने आपको प्रॉपर लगा के देना है, फिट करके रन करके देना, ठीक है,
और जब से मैंने ये लगाया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे पिछले बिजनेस भूल गए हैं। मेरा ये चौथा माशाल्लाह बिजनेस है, मैं पिछले बिजनेस भूल गया हूँ, ठीक है, जितने भी किए हैं, ठीक है, वो उनमें मुझे प्रॉफिट नहीं होता था। इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा कारोबार है कि हर बंदे ने पानी पीना, और ये नवाबी काम है। बड़े बड़े ब्रांड्स काम कर रहे हैं, कर्शी कर रहा है, मालमो डोसे गोरमे सारे ये काम कर रहे हैं, तो ये बड़े लेवल का बिजनेस है और ये नवाबी बंदा कर सकता है काम, और ये काम करने पे मैं बहुत सेटिस्फेक्शन हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा बिजनेस है। थैंक यू उमर भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमारे नाज़रीन को बताया कि ये ट्रस्टेड कंपनी है, ठीक है, इनके साथ आप रब्ता करके काम कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने देखा सुना, आपकी भरपूर फरमाइश पर आज हम लेकर आए थे आपके लिए मिनरल वाटर बिजनेस, यानी कि पानी की बोतलें भर के मिनरल वाटर को भर के हम मार्केट में किस तरह से पेश कर सकते हैं और बड़े ब्रांड्स का मुकाबला किस तरह से कर सकते हैं। हम ये सभी जानते हैं इस बिज़नेस का कितना स्कोप है, कितनी मार्केट है और कौन से बंदे ये काम कर रहे हैं। अगर आप भी अपने किसी इलाके में, किसी शहर में ये कारोबार करना चाहते हैं, ट्रस्टेड कंपनी का नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इनके साथ रब्ता कीजिए और अपने कारोबार को बढ़ाइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अज़र महमूद को और इस प्यारी खूबसूरत जगह से, प्यारे खूबसूरत प्लान से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।